राम राम साहब, मंजूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कबूली पुलाव बनाना बताऊंगी, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। मैंने बासमती चावल लिया है, 1 लीटर पानी लिया है, इसको बॉईल करने के लिए आधा छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। इसको पानी को अच्छी तरह से बॉईल करके डालना है, चावल को पूरा एकदम, इसको ज़्यादा नहीं सिझोना है, कम सिझोना है। तो शुरू करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, पानी चढ़ा दिया गैस पर। इसको अच्छे से उबाल आने के बाद में चावल को डालना है। इसको अच्छे से उबलने देते हैं। उबाल आ गया है, चावल डाल देते हैं। चम्मच को अच्छी तरह से घुमाते रहना है ताकि चावल चिपके ना। गैस को मैंने बंद कर दिया है, चावल अच्छे से उबल गया है, इसका पानी बाहर निकाल देते हैं। मैंने चलने लगा दिया भगोली पर, सारा पानी बाहर निकालना है और चलने में डाल देना है चावल को। चावल अच्छे से पक गए हैं, एकदम पूरा नहीं पकाया है, हल्का हल्का थोड़ा सा कड़क है। इसको ठंडा पानी से थोड़ा सा चांटा लगा देते हैं, चिपकेगा नहीं, एकदम कुली कुली कबूली बनेगी, अच्छा पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। इसको साइड में रख देते हैं, बाकी की तैयारी करते हैं। 3 पीस ब्रेड का लिया है, इसको अच्छे से चॉप कर देते हैं, फिर इसकी फ्राई करेंगे। साइड वाला पार्ट निकाल देते हैं। काट कर मैंने तैयार कर लिया है, बॉल में निकाल देती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया है, तेल चढ़ा दिया है ब्रेड को फ्राई करने के लिए। प्याज और फूल गोभी को फ्राई कर देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, उसके बाद फ्राई करेंगे। ये ब्रेड डाल रही हूँ, मीडियम रख के इसको अच्छे से कलर आए जब तक पकाना है। ब्राउन हो गई है, इसको बाहर निकाल देते हैं। सारे ब्रेड को मैंने फ्राई कर दी है। मैंने 100 ग्राम फूल गोभी ली है, इसको अच्छे से काट के धो के साफ इसको भी फ्राई कर देते हैं। पीस मैंने बड़ा ही काटा है, छोटा नहीं काटा है, बड़े बड़े काटे हैं, इसको भी अच्छे से फ्राई कर देते हैं। एक साथ डाल देती हूँ, वो भी अच्छे से फ्राई हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है, इसको बाहर निकाल देते हैं। मैं एक ही बर्तन में निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तेल है, इसको बाहर निकाल देते हैं। मैंने एक छोटा प्याज लिया है, इसको भी फ्राई कर देते हैं। इसको अच्छा ब्राउन होने तक पकाना है। गैस की आँच एकदम मीडियम रख के जले ना प्याज, काले इसको बाहर निकाल देते हैं प्याज को। एक मैंने बड़ा आलू लिया है, इसको काट के छील के इसको भी फ्राई कर देते हैं। एक साथ नहीं डालना है, 2 बार ही फ्राई करूँगी। इसको अच्छे से फ्राई करना है, आलू अच्छे से फ्राई भी हो गया, सॉफ्ट हो गया अंदर से, इसको बाहर निकाल देते हैं। कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दिए, इसमें तेल डाल देते हैं 2 चम्मच। इस समय से मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है, तेल को गर्म होने देते हैं।
आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है तड़का के लिए। मैंने दो तेज पत्ते लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, दो हरे इलायची लिए, पांच लौंग लिया है, चीनी पत्थर लिया है, काली मिर्च ली है, इसको भी डाल देते हैं। एक कप सोयाबीन की बड़ी ली है, इसको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिजो दिया था, इसको अच्छे से पानी बाहर निकाल दिया एक्स्ट्रा, इसको भी एक कप लिया था, इसको अच्छे से फ्राई कर देते हैं। पानी बिल्कुल नहीं रखा एक्स्ट्रा इसमें। एक चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया छोटा चम्मच से। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अदरक का पेस्ट बना के लिया है। लहसुन का पेस्ट लिया है आधा छोटा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, एक मिनट के लिए पका देते हैं। मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया काट के, इसको भी मिक्स कर देते हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, मैंने कम ही डाला है नमक, नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। एक चम्मच मैंने किशमिश लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक चम्मच मैंने काजू लिया है, इसको 2 घंटे पहले पानी में भिजो दिया, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कटा हुआ हरा धनिया लिया मैंने, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने कम डाली है, थोड़ी पत्ती बचा के रखी है धनिया की, बाद में डालेंगे। आलू मैंने फ्राई करके रखा, इसको भी डाल देते हैं। गोभी की फ्राई करके रखा, इस गोभी को डाल देते हैं। मैंने ब्रेड को रखा फ्राई करके, इसको भी मिक्स कर देते हैं। सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक चम्मच मैंने दही लिया है, दही नॉर्मल लिया है, खट्टा नहीं है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दही डाल करके मैंने एक टमाटर लिया मीडियम साइज़ का, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक मिनट के लिए तक पकाना है। कबूली पुलाव का मैंने मसाला लिया 2 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 चम्मच लिया है, 1 चम्मच जितना डाला है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। चावल को मैंने उबाल के रखा, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दिया है, पानी बिल्कुल नहीं रखा है। चावल को पूरा नहीं सिझाना है, चावल एकदम अच्छे दिख रहे हैं, बड़े बड़े चावल बने हैं। इसको मिक्स करेंगे ज़्यादा तो टूट जाएगा चावल। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक को मसाला को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक चम्मच मैंने देसी घी लिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसकी जगह घी भी ले सकते हो, तेल भी ले सकते हो, घी से अच्छी बनती है कबूली, तो मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है।
एक बड़ा चम्मच में मैंने केसर के धागे को भिजो के रखा है 1 घंटे के लिए, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 चम्मच दूध और 20 धागे केसर के 1 घंटे के लिए रखे थे। हरी पत्ती दाना की बचा के रखी थी, इसको भी मिक्स कर देते हैं। गैस की आंच एकदम मीडियम रखी हुई है। आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एकदम काबुली परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी है, आसान तरीका से बना सकते हो। 1 बड़ा चम्मच मैंने मटर लिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब इसको बॉल में निकाल देते हैं। काबुली बनकर तैयार हो गई है, एकदम गर्मा गर्म बनकर के तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए ये रेसिपी कैसी बनी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।